हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। आपका सीमा सिक रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हरी साग की रेसिपी, जिसे सरसों का साग भी बोला जाता है। लेकिन सरसों का साग पंजाब में बोला जाता है, लेकिन इसे हरियाणा में हरा साग बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं हरा साग बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पालक, बथुआ, धनिया, थोड़ी सी मेथी और सरसों। हरियाणा में जो हरा साग बनाया जाता है उसमें बथुआ सबसे ज़्यादा डाला जाता है, पालक उससे थोड़ा सा कम, और जो सरसों है वो उससे थोड़ी कम, और जो मेथी है वो बिल्कुल कम। या ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन धनिया डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बेटर आता है। सरसों और मेथी इसमें स्वाद और खुशबू के लिए डालते हैं। पंजाब में जो सरसों है ज़्यादा डाली जाती है, लेकिन हरियाणा में जब हरा साग बनाया जाता है तो उसमें सरसों का यूज़ कम होता है। मेथी सबसे कम डालेंगे क्योंकि मेथी कड़वी होती है, तो वो हम अगर ज़्यादा मेथी डालेंगे तो हमारा जो हरा साग है वो बिल्कुल कड़वा हो सकता है। एक जूटी ली है पालक की, दो जूटी मैंने यहाँ पे बथुए की ली है, आधी जूटी मैंने यहाँ पे सरसों की ली है, और थोड़े से पत्ते मैंने यहाँ पे मेथी के लिए हैं, और इसमें मैंने लिया है धनिया से। इसमें एक अच्छी खुशबू आती है और उसका एक अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसमें ज़्यादा सरसों डाल दोगे तो इसके अंदर एक खारापन सा आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा हरे साग में। तो पालक तो इसमें ज़रूरी है। बथुआ हम इसलिए डालते हैं, बथुआ डालने से हमारा जो साग है वो काफ़ी चिकना होता है, और वो जब हम उसे घोटते हैं तो आसानी से वो घुट जाता है, तो इसलिए बथुआ इसमें ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हरा। अगर आपके पास चने का साग हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमारा हरा साग काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन चने का जो साग है वो आसानी से नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, अगर आप इन पाँचों को भी मिला के बनाओगे तो भी आपका साग काफ़ी अच्छा बनेगा। अब इन पाँचों को मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी। इन्हें हमें 3 बार धोना है क्योंकि इनमें ज़्यादा मिट्टी होती है। आप इसे अगर 2 बार पानी से धोओगे तो इसमें जो किरकिराहट रह जाएगी, और फिर जब हम इसे खाएंगे तो रात नहीं है। अब इसमें मैं ये सारी सब्जियाँ डाल दूँगी, पालक, सरसों, थोड़ा सा मेथी डालेंगे, बथुआ, धनिया। तो सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो सर्दियों में ज़्यादातर हरा साग बनाया जाता है। ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, और इसे मैं बिल्कुल हरियाणा स्टाइल में बनाऊंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूंगी कि इसे कैसे बनाना है, और जिस तरह मैं बना रही हूँ अगर आप भी इस तरह ही फॉलो करके हरा साग बनाओगे तो आपका जो साग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। गाँव में तो हमें हरा साग आसानी से मिल जाता है, लेकिन मार्केट में जो साग मिलता है वो ज़्यादा फ्रेश नहीं होता है, तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन फ्रेश हम साग बनाते हैं उसकी बात ही अलग है। तो चलिए मैं इसे एक बार धो लेती हूँ। देखिए, मैंने साग को धो के एक डेगची में मैंने इसे डाल लिया है। अगर आपके पास डेगची ना हो तो आप इसे कुकर में या पतीले में भी बना सकते हैं। हरियाणा में हरे साग को चूल्हे पे या फिर हारे में रख के बनाया जाता है। उसे डेगची में डाल के हारे पे रख देते हैं तो और वो अच्छे से पक के बिल्कुल अच्छे से अपने आप ही घुट जाता है। लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं उनके पास ना तो चूल्हा होता है ना ही हारा होता है, तो उन्हें गैस पे ही बनाना होता है। तो कोई बात नहीं, आप ये गैस पे भी उतना ही टेस्टी बनेगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी इसमें आप मत डालिए, क्योंकि जब मैंने साग को धोया था तो इसमें भी कुछ पानी साग के अंदर उस समय रह गया था। ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखा जाए तो साग बनाने का, तो उसमें वो नमक नहीं डालते हैं ना ही वो उसमें छोंक लगाते हैं। तो आजकल जो हरा साग बनाया जाता है उसमें छोंक लगाने लगे हैं। तो मैं इसे अब पकने के लिए रख देती हूँ, और इसे मैं जब तक पकाऊंगी जब तक हमारा जो ये पालक है वो अच्छे से बिल्कुल, जब हम इसे हाथ से ऐसे मैश करके देखें तो आसानी से मसल जाए। तो अभी मैं इसे गैस पे रख देती हूँ पकाने के लिए। पंजाब में साग बनाते हैं वो उसमें थोड़ा नमक भी ऐड करते हैं, और उसमें सरसों की क्वांटिटी, मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन हरियाणा में जो साग बनाया जाता है उसमें बथुए की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और मेथी सबसे कम डाली जाती है, और सरसों जो है वो खुशबू के लिए डाली जाती है, वो भी बिल्कुल ज़रा सी डाली जाती है। अगर आप सरसों ज़्यादा डाल दोगे तो जो हरा साग है वो उसमें थोड़ा सा खारापन आ जाएगा। सरसों भी कई तरह की होती है, कई बार जो सरसों है वो खारे पानी में हो जाती है तो उसका थोड़ा खारा टेस्ट आता है, ठीक से पानी में हो जाती है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। सरसों को हमें लेने से पहले थोड़ा तोड़ के खा के देखना चाहिए कि वो अगर ज़्यादा खारी हो तो आप उसे ना लें। तो साग को मैंने इस पर रख दिया, अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। मैं इसके ऊपर ये छोटी प्लेट लगा देती हूँ, और इसे हम थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ते हैं क्योंकि साग उबलने के बाद बाहर निकलता है। अभी गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि हमारा जो साग है वो नीचे आसानी से बैठ जाए। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक हमारा जो साग अच्छे से गल ना जाए। फिर बाद में हम इसमें आलन लगाएंगे। आलन लगाने के बाद हम इसे फिर हम इसमें छोंक लगाएंगे, हम इसे अच्छे से पकने। साग में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, अदरक, टमाटर। हरा साग जब हम बनाते हैं तो उसमें अदरक लहसुन ज़्यादा डलता है और मिर्च भी, लेकिन मैंने यहाँ पे मिर्च थोड़ी कम ली है क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं,
छोंक लगाने के लिए। प्याज इसमें यूज़ नहीं होता है तो इसलिए मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं लहसुन और अदरक को अच्छे से एक बार इसमें कूट लूँगी, ये कूटने के लिए लिया है। तो अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। तो लहसुन को पीसने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है। नमक डालने से हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से पीस सकता है। तो पहले हम लहसुन को पीसेंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। वैसे तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है, लेकिन हरे साग में जो अदरक लहसुन है उसे कूट के डाला जाता है, उससे हरे साग का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे आप कूट के डालिए। लहसुन को मैंने कूट लिया है, अब मैं इसमें ये अदरक डालूंगी। अब हम इसे भी कूटेंगे। आप चाहें तो आप अदरक लहसुन को सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। मैंने इसे कूट लिया है, अब इसमें हरी मिर्च भी कूट लेंगे। तो इसे मैं तोड़ के डाल देती हूँ, आप इसे थोड़ा ध्यान से कीजिए। मैं इसके साथ ही पीस लेती हूँ। तो मैंने इसे भी पीस लिया है, साग को देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारा जो साग है वो पक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी गर्म पानी डाला था और अभी ये बिल्कुल सूख चुका है इसका पानी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा साग कैसा गला। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो साग है वो गल चुका। अब हम इसे घोटते हैं। अब हम इसमें आलन लगाएंगे। आलन आप बाजरे के आटे का या मक्की के आटे का या सिंपल आटे का भी लगा सकते हैं, चाहे आप बेसन का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बेसन का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं शुरू से ही बेसन का आलन जो है वो यूज़ करती आई हूँ। तो मुझे इसमें बेसन का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है। तो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैं इसमें डाल दूँगी, मुझे डाल दिए। अब इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर हम इसे घोटेंगे चम्मच से। इसमें आपको पानी यूज़ अभी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा ये हरा साग है अच्छे से नहीं घुट पाएगा। घोटने वाले से आप इसे घोट सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसके लिए चम्मच का यूज़ करूँगी। तो इसे हमें अब अच्छे से घोटना है, पानी आप इसमें यूज़ ना करें। इसे हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से घोटना है। अच्छा है, हाथों की भी एक्सरसाइज ही हो जाती है थोड़ी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हम इसे घोटते रहेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इस साग को अच्छे से घोट दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिला के इसको अच्छे से घोट देंगे। ये हमें आराम से करना है क्योंकि इसमें फिर छींटे लगेंगे। ये देखिए मैंने इस साग को अच्छे से घोट लिया है। देखिए तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो इसमें छोंक नहीं लगाते हैं, टमाटर डाल के और इसमें थोड़ा घी डाल के इसे अच्छे से पकने के लिए रख दिया जाता है, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं ऐसा, तो इसलिए हम इसमें छोंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली। अब गैस हम ऑन कर देते हैं। हरे साग में घी का छोंक लगाया जाता है, इसमें तेल का छोंक नहीं लगाया जाता। जो कढ़ाई वो अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं घी डालूंगी। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। 1 चम्मच पूरा भर कर घी डाला है, तो इसमें जीरे का यूज़ करते हैं ना ही प्याज का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें सीधा टमाटर डाल दूंगी। हमारा जो घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हमें नमक थोड़ा कम ऐड करना है, कई बार हमारा जो साग है वो बच जाता है तो उसे हम अगले दिन जब खाते हैं तो उसमें हमें फिर ज़्यादा नमक लगता है, तो इसलिए हम हरे साग में कम ही नमक ऐड करें। तो इसे हम गलने तक पकाते हैं, इसमें हमें हल्दी नहीं डालें, ना ही लाल मिर्च का यूज़ करना है, ना ही हमें इसमें किसी गर्म मसाले का यूज़ करना, तो इसे हम ऐसे ही पकाएंगे। तो ये धो देती हूँ इसे, हम 2-3 मिनट के लिए टमाटर को मैश होने तक अच्छे से पकाएंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो गैस के फ्लेम को हमने लो ही रखना है, तो उसमें हम ये साग डाल देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इस साग को बिल्कुल ट्रेडिशनली तरीके से बनाने की कोशिश की है। पंजाब में जो साग बनाया जाता है उसमें टमाटर का यूज़ वो नहीं करते हैं, लेकिन हरियाणा में जो साग बनाया जाता है उसमें टमाटर का यूज़ होता है। हरे साग में हमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिना मसालों के ही काफ़ी टेस्टी बनता है। पंजाब में जो सरसों का साग बनाया जाता है वो पहले सरसों को और पालक को अच्छे से धोते हैं उसके बाद काटते हैं, लेकिन हरियाणा में जो साग बनाया जाता है वो काटने के बाद धोया जाता है। तो हरियाणा और पंजाब के साग में काफ़ी डिफरेंस है। बेसन का आलन डालने से इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है साग का। तो अब हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। इस साग में हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा थिक ही रखना होता है। अब हम इस साग को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा जो साग है वो अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें लीड लगा देती हूँ, तब हम इसे पकने देते हैं। साग को पकते हुए 10 मिनट हो चुके, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। जो साग है वो अच्छे से पक चुका है, देखिए हमारा जो साग है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, उसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए लीजिए, हमारा जो हरा साग बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इसे आप सरसों का साग, हरा साग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आधी चम्मच घी डाला है, इसके ऊपर घी डाल के ही इसे सर्व किया जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। बाजरे की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ या बाजरे की खिचड़ी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल हरियाणा स्टाइल में बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है हरी साग की, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। हरियाणा स्टाइल में कई तरह की रेसिपीज़ मैं आपके लिए आगे भी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।